हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसफुल कुकिंग विद मी। तो आज हम एक बना रहे हैं न्यू रेसिपी, जिसे कई नामों से बुलाया जाता है, निमोना, बूट चना, छोलिया, हरा चना। हम लोग इसे छोलिया कहते हैं क्योंकि राजस्थान और पंजाब की साइड में इसे छोलिया कहकर बुलाया जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 से 3 चॉप्ड अनियन, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां, मिर्च, लहसुन और जिंजर को हमें तीनों को पेस्ट बना लेना है इसका। और जो छोलिया है उसका थोड़ा सा भाग लेकर, हम चौथा हिस्सा लेकर उसको हल्का दरदरा सा मैश कर लेंगे। ग्राइंडर में नहीं करेंगे क्योंकि ग्राइंडर में ये ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा इसका। हमें थोड़ा दरदरा सा चाहिए, मोटा मोटा, तो इसलिए मैं कुंडे और सोटे में इसको दरदरा पीस रही हूँ, ठीक है। और इस तरीके से हम इसका पेस्ट तैयार करना है, मोटा मोटा सा। फिर हम कुकर में डालेंगे तेल, सरसों का तेल यूज़ करेंगे क्योंकि ये सब्ज़ी सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है। लेकिन फिर भी आप कुछ और यूज़ करना चाहते हो, घी या रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, तो वो यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 लीफ बे लीफ डाली है, 1 इलायची डाली है, 2 लौंग डाले हैं और थोड़ा सा जीरा। और साथ ही के साथ जब जीरा हमारा हल्का भूरे रंग का हो जाएगा, तब इसमें हम अपने चॉप किए हुए अनियन को डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। ओनियन सुनहरा होने तक भूनना है आपको। 1 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपने लहसुन और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आपको अनियन को सुनहरा होने तक भूनना है। ये सब्ज़ी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है और ढाबे वगैरह में भी ये सब्ज़ी इसी तरीके से बनाई जाती है। अब हमारे प्याज का कलर हल्का सुनहरे रंग का हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने टमाटर की प्यूरी। मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटर लिए थे और उसका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें थोड़े टमाटर आप ज़्यादा डालना, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने डाला है 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, छोले मसाला, 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है और 1/2 चम्मच यहाँ मैंने हल्दी पाउडर लिया है। फिर मैंने इसमें गर्म मसाला डाला है। सारे मसाले आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो। हम इनको अच्छे से पका लेंगे मसालों को। इन मसालों ने अपना तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध की क्रीम। आप चाहो तो अगर घर में मलाई हो उसको फेंट सकते हो और फेंट के वो डाल सकते हो, मैंने वही डाला है। अगर चाहो तो आप मार्केट वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली मैं घर में पड़ी हुई चीज़ें ही यूज़ करती हूँ। जब मसाला दोबारा तेल नहीं छोड़ देगा तब तक आपको इसे पकाना है। ये मसाला हमारा अच्छे से बन गया था। और फिर इसमें मैंने 2 आलू लिए थे और उनको काट लिया है और साथ ही साथ इसमें हम अपना दरदरा किया हुआ जो छोले थे वो डाले हैं। और इसे 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, लेकिन आपको कच्ची ऐसी मारती रहनी है इसके अंदर, नहीं तो जो मसाला है वो नीचे लग जाएगा। और हल्का सा उसी कुंडे के अंदर पानी डालकर वो हमने डाल दिया है और दोबारा इसको हिलाएंगे और फिर इसके अंदर हम बाकी के जो छोले हैं वो मिक्स कर देंगे। ये ग्रीन वाले छोले खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। सर्दियों का मौसम था तो हमने सोचा न्यू रेसिपी डाली जाए, इसलिए आपके लिए ये रेसिपी तैयार की है। पानी की रिक्वायरमेंट जितनी आपको आप उस हिसाब से डाल सकते हो। अगर ज़्यादा पतला खाना पसंद करते हो उस तरीके से डाल लेना। और फिर जब इसकी स्टीम बन जाएगी ना, तब आपको 10 मिनट तक उसे पकाना है। बाद में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। बाय।